और कितने लोग साथ में थे? क्यों मारे थे सर? मेरी बहन के 3 बच्चे थे, उसके भी 3 बच्चे थे, कोर्ट में ले के ले गए थे। गुस्सा अकेले थे तुम? जी। बागपत में झूठी आन के लिए एक भाई ने अपने शादीशुदा बहन और उसके शादीशुदा प्रेमी की हत्या कर दी और दोनों के शवों को जंगल में फेंक दिया। ऑनर किलिंग के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला रमाला थाना क्षेत्र के असारा गांव का है, जहां एक भाई ने अपनी शादीशुदा बहन और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। शादीशुदा बहन और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को अब पछतावा हो रहा है। सरेंडर करने वाला हत्यारा हवालात में बंद मुर्सलीन अब अपने किए पर पछता रहा है और अपने छोटे छोटे बच्चों को याद कर आंसू बहा रहा है। देखिए आप भी। और कितने लोग साथ में थे? क्यों मारे थे सर? मेरी बहन के 3 बच्चे थे, उसके भी 3 बच्चे थे, कोर्ट में ले गए थे। गुस्सा अकेले थे तुम? जी। असारा गांव की मेहजबी का निकाह 7 साल पहले शामली जिले के गंगेरू गांव में साजिद के साथ हुआ था। उसके 3 बच्चे हैं। निकाह से पहले ही मजहबी का प्रेम प्रसंग असारा गांव के ही आरिफ से चल रहा था। आरिफ का भी निकाह हो चुका है, लेकिन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। 22 अक्टूबर को मेहजबी अचानक गायब हो गई, जिसकी गुमशुदगी मेहजबी के भाई ने रमाला थाने पर आरिफ और उसके बहनोई के खिलाफ दर्ज कराई थी। उधर आरिफ भी उसी समय से गायब चल रहा था। लगभग 20 दिन से फरार चल रहे भाइयों ने बीती रात दोनों को मेरठ से दबोच लिया। दोनों को गांव लाकर उनकी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद महिला के हत्यारे भाई मुर्सलीन ने थाना रमाला पहुंचकर खुद ही सरेंडर कर दिया। आवेश में आकर उस समय तो आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन अब मुर्सलीन अपने किए पर पछतावा कर रहा है। कल 8 नवम्बर की रात को लगभग 9 बजे रमाला थाना पुलिस को असारा गाँव से सूचना प्राप्त हुई की असारा गाँव के एक व्यक्ति जिसका नाम मुर्सलीन है, उसने अपनी सगी बहन मेहजबी तो उसके दोस्त आरिफ की हत्या कर दी, डेड बॉडी कहीं छिपा दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, मुर्सलीन को हिरासत में लिया गया, उससे विस्तृत इंटरोगेशन की गई। पूछताछ में उसने ये बताया कि उसकी सगी बहन महजबी, जो कि शादीशुदा थी, 3 बच्चे थे, वो अपने गांव के एक व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति आरिफ के साथ 20 अक्टूबर को कहीं चली गई थी। इन दोनों की घनिष्ठता से मुर्सलीन नफरत करता था। मुर्सलीन ने अपने भाइयों जिनके नाम मुजम्मिल हैं, जो कि कांदला का रहने वाला था, अरमान तथा मुंतजर और मौसेरे भाई शाहनवाज, इनके साथ मिलकर उसने एक योजना बनाई। योजना के तहत वे मेरठ गए। मेरठ से दोनों को उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया। इसको साथ लेके ये कांदला थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू लेकर आए, जहां पर मुजम्मिल के घर पे इन्होंने आरिफ की हत्या की तरह डेड बॉडी को जंगल में छिपा दिया। उसके पश्चात ये अपनी बहन महजबी को लेकर असारा गाँव आए और असारा गाँव के जंगल में उसकी भी हत्या कर दी। रात भर पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला। सर्च ऑपरेशन के पश्चात दोनों डेड बॉडी को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। दोनों डेड बॉडी को मॉर्चरी भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम उनका कराया जा रहा है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, शामली पुलिस को अवगत करा दिया गया है। इसमें उसके मौसेरे भाई शाहनवाज और मुर्सलीन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। झूठी आन की खातिर ऑनर किलिंग का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।